नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कैलाश। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपको जैसा कि पता है कि वन बाई वन एक एक गाड़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम एक बार फिर से आ गए हैं फैट कॉर्ड पर। और आज हमारे सामने है ऑडी A8L। तो आज हम इसी गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ हरदीप जी हैं, इस गाड़ी की सारी डिटेल देंगे, इसके स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज़ के बारे में हमें बताएंगे, और जो भी कुछ इसके अंदर स्पेशल है वो सब कुछ हमें जानकारी देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। बारी है उन तीन नामों की जिन्होंने हमारे वीडियोस पे कमेंट किए थे। पहला नाम है आनंद अरोरा, दूसरा नाम है शुभम पवार और तीसरा नाम है सद्दाम खान। आप सभी तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमारे वीडियोज़ पर इतने प्यारे कमेंट किए और हमको काफ़ी मोटिवेट किया, तो इसी तरीके से हमें अपना प्यार और मोटिवेशन देते रहिए। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस वीडियो की और जान लेते हैं इस ऑडी A8 के बारे में पूरा डिटेल में। हदीप जी, बाकी आप इसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करो। सर, ये ऑडी A8 है। जब हम बात करते हैं एक 1 CR से ऊपर की गाड़ी का, तो इसका जाहिर से बात है इसका ज़रूर जिक्र होगा। रही बात इसकी, या रही बात जागुआर XJL की, या रही बात मर्सिडीज S-क्लास। ओके, ये तीनों गाड़ियाँ सर डिफरेंशिएट है सारी कैटेगरी से। सबकी एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है। सब स्पेशलिटी है सर, प्लस ये सेगमेंट ही आपका सबसे हायर सेगमेंट में आता है। अगर हम इसकी बात करें तो सर ये लॉन्ग व्हील बेस है। ओके, और इस गाड़ी के अंदर ये खासियत है, एक तो सर ये गाड़ी जो है 6 सिलेंडर कार है। 6 सिलेंडर, ओके, बिल्कुल सर। और इसकी जो अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो सर 3000 CC गाड़ी है। और इसको खास क्या बनाता है और गाड़ियों से, मतलब एक लग्जरी फील जो होता है ना, वो इन्हीं गाड़ियों में रहता है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें सर इस गाड़ी की स्पेस का, और अगर हम बात करें इस गाड़ी की स्पेशलिटी का, तो सर वो अंदर बैठ के ही बताएगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक बार अंदर चलते हैं और वहीं इसका जो है ना जायजा। दोस्तों, अब इसकी गाड़ी का इंटीरियर का पूरा जायज़ा लेते हैं। हरदीप जी हमारे साथ में हैं। सर, इस गाड़ी का थोड़ा स्पेशल लुक दिखाइए। हम सर इसका इग्निशन ऑन करते हैं। क्या गजब। अगर हम बात करें सेकंड हैंड कार की, हाँ, तो ये सर हमारा क्लास न्यू टू एक्सप्लोर का मकसद यही है कि हम सबका सपना सर पूरा करें। बिल्कुल सर। और तो सर हमारा फेथ कोर्ट का भी यही है कि हम एक जो जिसका जो सपना है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव योर ड्रीम। एग्जैक्टली, इसका मतलब ही ये बनता है कि अगर जिसका जो सपना है वो ड्राइव खुद कर सके, जो गाड़ी उसका एक सपना है वो हम पूरा कर सके। इस गाड़ी के अंदर सर ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको इस कार में ना मिले। अगर हम बात करें मसाजर की, अगर हम बात करें इसके अंदर डबल आपका जो इसमें इसमें SD कार्ड सर इसमें होल्डर मिलेगा। अगर हम बात करें ऑडियो की, तो इसमें CD 6 ड्राइव 6 CDs इंस्टॉल हो सकती है एट अ टाइम। ओके, जिसके अंदर आप चाहे तो आप जितना मर्जी चाहे आप CDs कर सकते हैं। आपका इधर अगर आप देखेंगे तो आप बाकी 6 CDs के लिए यहाँ पर इन्होंने CDs के लिए दिया हुआ है। ओहो, ये 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, 6 DVD चेंजर इसको बोलते हैं, DVD चेंजर वो दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसके मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा साधन है। बिल्कुल सर। और अगर आप चाहें तो अगर आपको ये स्क्रीन आपको डिस्टर्ब कर रही है या आपको लॉन्ग रूट में नहीं पसंद आ रही, तो अगर आप चाहें तो इसको आप बंद कर भी सकते हैं। ओके, ऑडियो सिस्टम आपका प्ले होता रहेगा, मतलब ये डिस्टर्ब नहीं करेगी फिर आपको। बिल्कुल। और रही बात सर अगर स्टीयरिंग की, तो सर एवरीथिंग इज इन दिस कार, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है एक तरीके से। बिल्कुल सर, आपने स्टीयरिंग बाहर निकालना है, इसको अंदर करना है, जहां मर्जी जिधर मर्जी आपका जहां वो करे कंफर्टेबल के हिसाब से आप ये नीचे इसको। रही बात और गाड़ी के फीचर्स की बात करूं, तो सर इस कार के अंदर जो एक इंडियन रोड्स के हिसाब से जो सबसे बेनिफिट वाला फीचर है वो की है सर,
इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन है। ओके गाड़ी का मैं ये रेस करूंगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो कि एक नॉर्मल रोड से और थोड़ी सी डिस्टेंस में आ जाएगी, ताकि आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए ड्राइव करते वक्त, कोई आपको ग्राउंड क्लीयरेंस में इशू ना आए। ओके तो वो सेंसर्स पे करती है या एक बार आप जब सेट कर देते हो कंफर्ट लेवल पे इसको ले आते हो तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ले लेती है? सर ये डिपेंड होता है, अगर आप ऑटो मोड में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेगी, अगर आप डायनेमिक में या इंडिविजुअल चलाएंगे तो आपको सेट करना पड़ेगा। ओके ओके बिल्कुल सर। बाकी जो सेंसर्स भी होते होंगे ना वो भी आपको गाइड करते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे चलते हैं सर इस गाड़ी के लिए, हम चलते हैं व्हीकल सेटिंग्स पे। तो अगर आप सीट्स में जाएंगे तो ड्राइवर सीट्स के अलग फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं। ओके अगर हम बात करें ऑटो बेल्ट टेंस, अगर ये करना है टेंशनर से, आप अगर बेल्ट अगर एडजस्ट करेंगे तो आप देखते होंगे कि नॉर्मल में टाइटनेस आ जाती है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑन का मतलब ये है, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पोजिशन के हिसाब से, आपके फैट के हिसाब से ये एडजस्ट करेगी बेल्ट ऑटोमेटिकली। ओके इजी एंट्री का मतलब ये होता है सर, जब मैं गाड़ी से बाहर मूव आउट करूंगा मेरा स्टेयरिंग ऑटोमेटिकली ऊपर अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ताकि मैं इजीली मूव आउट और मूव इन हो सकूं। रही बात सर बैकग्राउंड लाइटनिंग की, तो अगर आप देखेंगे तो सर इसमें तीन कलर्स के एम्बियंस लाइटनिंग आती है। ओके अगर आप यहाँ से बिल्कुल साइड से देखेंगे तो रेड इंटीरियर आ रहा होगा, अभी आ रहा है, जैसे कि अगर हम पीछे बैठ के भी आपको मैं दिखाऊंगा पीछे भी इसके पूरे एम्बियंस लाइटनिंग है। राइट बिल्कुल, आप ये ऊपर देख रहे हैं सर ये सारा एम्बियंस लाइटनिंग का पार्ट है। ओके जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा सर आइवरी में ये सारा येलो हो जाएगा सर, ये भी येलो हो जाएगा, ये भी येलो हो जाएगा, पूरी एम्बियंस लाइटिंग इसकी येलो हो जाएगी। ओके मतलब एक अलग तरीके का फील दे रही है, आपका किस मूड में हो आप बिल्कुल सर उस मूड का फील कर सकते हो सर। अगर कार में अगर हम और आगे चलेंगे तो सर ये ड्राइवर असिस्ट सर्विस कब गाड़ी की होनी है वो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिकली बताएगा। ओके ऑयल लेवल गाड़ी का मैक्सिमम है मिनिमम है वो सारा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ बैठे पता लगे। रही बात सर टायर प्रेशर्स की, तो ये चारों टायर्स की अगर बिल्कुल ठीक है तो ये आपका बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पर सर मैल फंक्शन आ जाता है कि आपका टायर टायर में भी आपका प्रॉब्लम है, हवा कम है या कुछ भी है। सर्विस इंटरवल्स की बात रही तो इसमें आपको वो दिखाएगा, जैसे इसके अंदर दिखा रहे 55 डेज या 11,400 किलोमीटर चलेगा ये, तो काफी अच्छे अच्छे इसके अंदर फीचर्स हैं। और मेजरली जो इसके अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा सर वाइपर कई बारी हम उठाते हैं और वो गिर जाता है, विंडस्क्रीन ब्रोक हो जाता है, तो इसके अंदर बड़ा अच्छा एक फीचर दिया होता है जिसके अंदर होता है कि अगर मैंने वाइपर साफ करना है तो मैं जैसे ही इसको ऑन में रखूंगा यहाँ आके वो रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके ओके आप आराम से इसको ऊपर करके साफ कर सकते हैं। जी 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 जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा ये अपनी पोजीशन में ले लेगा। ओके 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 तो मतलब काफी इसके अंदर फीचर्स हैं। तो बाकी अभी इसका ये भी ये सब लेदर वगैरह है इसमें, ये सब लेदर है? बिल्कुल सर पूरा लेदर, लेदर और वुडन का सर सारा इसका कॉम्बिनेशन हुआ है। ओके और अगर आप साइड में लगाएंगे हाथ तो ये सारा स्वेड भी है इसके अंदर, ये बिल्कुल सर। ओके 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 बाकी ये सब इसमें बिल्कुल सर ग्लास होल्डर वगैरह इसमें नहीं, इसमें ग्लास होल्डर सर इसके अंदर होता है, इसके अंदर दो ग्लास होल्डर है सर। ठीक है अकॉर्डिंगली आप वैसे आप सेट कर सकते हैं। ओके बाकी ये थोड़ा अपना छोटा मोटा सर इसका हैंड ब्रेक है। हां हां कार का अच्छा हैंड ब्रेक ये है इसका, ये हैंड ब्रेक है सर। ओके जैसे इसको मैं अप करूंगा तो सर हैंड ब्रेक लग जाएगा, टी का साइन आ जाएगा। ओके और जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा सर हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ओके 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 मतलब सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक, कुछ करने के लिए सारा कुछ बटन्स पे चलता है। बिल्कुल सर। तो रही बात सर इसका, अगर हम टर्न करेंगे तो सर ऑटोमेटिकली पीछे रेयर आपका जो आप कर्टन देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रेज हो रहा है। ओके 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 अगर मैं यहाँ से चाहूंगा तो सर बैक का भी सर आप ये कर्टन ये सारे अच्छा, ये इसमें सब इनबिल्ट है? बिल्कुल सर। ओके ये लोडिंग्स होती हैं, ये लेनी पड़ती है आपको, कस्टमर जब लेने जाता है उसको बेसिक कार के अंदर लोडिंग्स लेनी पड़ती है। बिल्कुल सर इनबिल्ट ये एक्स्ट्रा चार्जेस है सर, एक्स्ट्रा चार्ज आता है। ओके एडिशनल चार्जेस। तो सर बहुत ही फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ में ये है गाड़ी ऑडी A8। तो सर अब आ जाते हैं हम लास्ट में, एक ही चीज बचती है और वो बचती है फेथ कोड का फेथ प्राइस। सर फेथ कोड का फेयर प्राइस अगर मैं बात करूं तो सर आस्किंग प्राइस सिर्फ इस कार का है वो की है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए 2013 13 मॉडल है बिल्कुल सर। ओके
तो अभी इस गाड़ी का शेप चेंज हो गया है या ये आ रही है अभी भी? सर अगर बात करूँ शेप का तो सर 2013 में शेप चेंज हुआ था और ये नई शेप है। ये नई वाली शेप है? बिल्कुल सर। अभी भी आ रही है इसका? बिल्कुल सर। 2013 में कितने की थी लगभग जब ये नया शेप आया था? लगभग सर नई शेप तब था सर 110 के अराउंड था, 1,10,00,000 रुपए के लगभग। अब ये हमारे यहाँ 30,00,000। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन प्राइस और पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। बिल्कुल सर, ये सिर्फ 34,000 किलोमीटर, सिर्फ 34,000 किलोमीटर चली है और सब कुछ ओरिजिनल है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आप शोरूम से ला रहे हैं। और सर इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाना है। चारों टायर्स इसके ब्रांड न्यू है। रिसेंटली आपका बस सर्विस जो है 55 डेज या 11,000 किलोमीटर दिखा रहा है वो आपका होना है। 2020 तक इसकी फुली इंश्योरेंस है, जिसकी IDV वैल्यू जो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो 45,00,000 रुपीस है इंश्योरेंस के हिसाब से। बिल्कुल सर। ओ, इसका मतलब ये है कि अगर फैट कोड के प्राइस देखें तो काफी बेहतरीन है और काफी जो है बजट में आ सकते हैं आपके। बिल्कुल सर। तो सर इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी और हम आपका शुक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। आपने देखा ऑडी A8 के बारे में पूरा जाना, सब कुछ जाना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव है और कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कीजिए और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो थम्स डाउन कीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक और ब्लॉग और एक कुछ जानकारी के साथ में और नए डीलर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।